हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शॉर्ट सर्किट से सीलदर गांव में कपड़े की दुकान में लगी आग, करीब 25 से 30 लाख रुपए का हुआ नुकसान। सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। सीलदर गांव में जसवंतपुरा रोड स्थित ओटाराम पुत्र कलाराम सुथार की सोनू एम्पोरियम नाम से दो कपड़ों की दुकान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े व रेडीमेड कपड़े की दुकान है। सोमवार रात करीब 9 बजे इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं बाहर आता देखकर लोग एकत्रित हुए और दुकान मालिक ओटाराम सुथार भी मौके पर पहुंचे और दर्जनों के साथ ओटाराम सुथार ने पानी से दुकान में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, मगर तब तक दुकान में रखा करीब 25 से 30 लाख रुपए का सामान, जिसमें कपड़ा, फर्नीचर, लाइट, पंखा, सीसीटीवी कैमरे आदि जलकर खाक हो गए हैं। सूचना पर मंगलवार सुबह कानडरी पुलिस थाना से हेड कांस्टेबल तलसाराम मीणा, मैं जाप्ता ने मौका मुआयना कर मौका रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान ग्रामीण ललित पुरोहित, नरेंद्र मेवाड़ा, अर्जुन पुरोहित, नरपत सिंह देवड़ा, शांतिलाल सुथार, मालाराम चौधरी, अशोक माहेश्वरी, गोविंद पुरोहित, मंचाराम पुरोहित आदि मौजूद रहे। ओटाराम सुथार ने बताया कि आग से करीब 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जागरूक टीवी के सीलदर से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।